आचार्य चाणक्य द्वारा प्रदान किया गया चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन में सुधार लाने हेतु सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ में बहुत सारे सूत्र शामिल किए गए हैं जिनका यदि सही रूप से पालन किया जाए तो हमारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। आचार्य चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें जिंदगी के प्रत्येक दाव पे चाहते थे। कौन किस समय में क्या सोच रहा है और उसकी अगली चाल क्या होगी, या आचार्य चाणक्य बखूबी भांप लेते थे। अपने इन्हीं प्रयोगों के बाद चाणक्य ने एक महान ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम चाणक्य नीति था। आज हम आपको चाणक्य की चैप्टर 3 में बताई गई कुछ ऐसी नीतियाँ बताएंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप जीवन को सुख और सफल बनाने वाली कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो आप स्काईफ्यूल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पर भी प्रेस करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिलते रहेगी, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ नॉलेजफुल वीडियो ही अपलोड की जाती है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सर्प तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन एक दुर्जन पग पग आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करें। नंबर 3, रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। नंबर 4, कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमताशीलता में है। नंबर 5, अत्यधिक सुंदर के कारण सीता हरण हुई, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा, अतः सर्वत्र अति को त्याग देना चाहिए। नंबर 6, धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है और जहां पति पत्नी के बीच आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता। नंबर 7, जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। नंबर 1, जिस प्रकार केवल एक ही सूखा हुआ वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। नंबर 9, ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा एवं शांति प्रदान करे। और अंत में नंबर 10, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैर वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छल्ली करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छल्ली करता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आपको इस तरह की और वीडियो देखना पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मोर लिखें। हम हर 2 दिन में ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्काईफ्यूल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जरूर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।